श्रोमणी अकाली दल भाजपा ने पंजाब सरकार के खिलाफ दिया मांग पत्र। गठबंधन नेताओं ने डीसी अमृतसर को दिया मांग पत्र। मांग पत्र में सीबीआई जांच की मांग की। आज श्रोमणी अकाली दल भाजपा के नेताओं ने जिलाधीश अमृतसर को एक मांग पत्र दिया, जिसमें पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटने में पंजाब सरकार नाकाम रही। 56 करोड़ के सरकारी घाटे और रेत माफिया, नकली बीज स्कैंडल जैसे गंभीर आरोपों को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। नेताओं ने मांग की कि पंजाब सरकार पीपीई किट और शराब की लूट में भी निष्पक्ष जांच करवाए। इस मौके भाजपा सांसद श्वेत मल्लिक, पूर्व मंत्री अनिल जोशी, जिला अकाली दल अध्यक्ष गुरप्रताप सिंह टिक्का, भाजपा शहरी अध्यक्ष सुरेश महाजन, हल्का दक्षिण से अकाली दल के प्रभारी तलवीर सिंह, पूर्व पार्षद दिलबाग सिंह के अलावा अकाली भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कुछ लीडर्स आए थे जी, जिन्होंने मांग पत्र दिता है ते वो सरकार नु एड्रेस हैगा ते वो सरकार नु तुरंत भिजवाया जाएगा ताकि उसके ते देख के अगे कार्रवाई जो भी करनी हैगी बन कर। देखो जी, हमने तुहाडे सामने आया मांग पत्र, बड़ा लंबा, मैं तो हाले पढ़िया भी नहीं जी, पढ़ूंगा भेजन तो पहला जी। सो डिटेल की है वो तुहानू वो बेहतर दस सकते हैं, बट मैं पढ़ के सारा करके फिर इन सरकार जी अपने बीजेपी और अकाली लीडर्स जॉइंटली आए थे जी, उन्होंने दिता जी। देखिए सब तो पहला ये तो चलो तय हुई हूँ जी पार्टियाँ चीज़ वो करनी हूँ क्योंकि कार्यकर्ता टाइम दिता सी। सब तो पहला मैं उन्होंने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दिना अपने वालों, जिन्होंने देश दीयां सरहदां की राखी करदे आ अपनी जान दिती आ, देश वास्ते कुरबान होए आ, जिहदे चों चार पंजाब दे भी आ, बाकी देश दे बच्चे सी उह किसी भी स्टेट दे आ, उह भी शहीदों मैं उन्होंने चरणों च नमन करता हुआ श्रद्धा के फुल भेट करदा वा। अज देश नूं माण आ उन्हां दे उत्ते कि उन्हां करके देश दे लोक जिहड़े आ उह सुख लै रहे आ, आराम दी नींद सौं रहे आ, ते उह बर्फां दे विच लेह लद्दाख दियां पहाड़ियां दे विच बर्फ च ठंड च मुश्किलां नाल सहिंदे होए देश की राखी कर रहे हैं, उन्हां शहीदां ते सानूं माण आ। ते सानूं नाल मैं वी कहांगा असीं बेफिक्र आ उन्हां जांबाज योधियां दे करके कि उस सरहदां दे उत्ते तैनात आ, साडे देश की एक इंच भी जमीन जिहड़ी आ अपनी जान की प्राणा की आहुति दे के भी उहदी राखी करनगे। दूसरा अज जिहड़ा इह प्रोटेस्ट आ इहदे च बहुत सारे मुद्दे आ जिहदे च कांग्रेस सरकार वालों जिहड़ा गरीबां दी कणक जिहड़ी आ जिहड़ी मोदी साहब ने भेजी वो नहीं दित्ती जा रही। रेत बजरी का घोटाला जिहड़ा इन्हां ने अपनियां डिस्टिलरियां चलाईयां, लॉकडाउन दे विच जदों परिंदा पर नहीं सी मारदा उस टाइम दे उत्ते इन्हां दियां बसां गड्डियां चलदियां रहियां, इन्हां दे घोटाला जिहड़ा शराब नजायज़ विकदी रही जिहदे नाल हज़ारां करोड़ दा रेवेन्यू खाधा इन्हां दे कांग्रसी लीडरां ने, नीले कार्ड जिहड़े इन्हां ने कट्टे जिस सेंटर सरकार का ऑर्डर आ गया भी आधार कार्ड ना दे दे दो, अद्धी आबादी पंजाब की जिहड़ी 1.5 करोड़ लोगों वास्ते फ्री राशन भेजा मोदी सरकार ने, तो मोदी सरकार के मंत्री उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी 1% इन्होंने वो राशन दिता बाकी इन्होंने दिता नहीं। CBI तो जाँच होनी चाहिए आ, सरकारी खजाने जोड़ा 56 करोड़ रुपए का घाटा पिया, वो शराब रेत कई तरह के घोटाले इन्होंने किए जाँच CBI को होनी चाहिए आ, रेत माफिया जोड़ा वो कार्रवाई होनी चाहिए आ, लोगों वास्ते 4 महीने की बिजली सीवरेज वाटर सप्लाई का बिल जो माफ़ होना चाहिए क्योंकि लोगों के कारोबार नहीं चलते पे, लोगों का काम नहीं चलता पाया, तो सरकार को जोड़ा वा लोगों की मदद करनी चाहिए सीधे तौर देते, इंडस्ट्री के 3-3 महीने के जोड़े आ बिल माफ़ होने चाहिए आ, गन्ने के जोड़े किसान के बकाए आ तुरंत जारी होने चाहिए आ, जो नकली बीजा का स्कैंडल है सरकार दे विच होया जी CBI तो जाँच होनी चाहिए आ, झोने की लवाई क्योंकि प्रवासी चले गए सारे मजदूर वो मिनीम 300 रुपया प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा जोड़ा वो देना बनता क्योंकि एकदम रेट वध गए लेबर ना होने करके, मैडिकल कॉलेजों के जोड़े MBBS के जोड़े स्टूडेंट आ उन्हों की 70% फीस वध गई,
नजायज एक पासे लोगों की रोटी नहीं चलती पई, एक पासे डॉक्टर जिहड़े आ उह करोना वारियर बन के देश की सेवा करते पे आ। इस महामारी दौरान देश दे विच डॉक्टरां नूं रब दा दर्जा दिता जा रहा, तो यह सरकार पंजाब की जिहड़ी आ 70% उन्हां दी फीस वधा रही है। पत्रकारां दे खिलाफ परचे पिछे दर्ज किए गए, उस सारे झूठे परचे जिहड़े रद्द होने चाहिए आ। डीजल पेट्रोल ते इन्हां ने जिहड़ा वैट लाया वह वापस होना चाहिए वा। टैक्सी ते बस ऑपरेटरां दा जिहड़ा उन्हां दा काम नहीं चलता पिया, उन्हां दा टैक्स भी 3 महीने 4 महीने का जिहड़ा वापस होना चाहिए, माफ करना चाहिए। बाकी बहुत सारे ऐसे इशू आ जिहदे ते पंजाब सरकार बुरी तरह फेल हुई है। पंजाब सरकार ने जिस इस करोना महामारी दे विच जिस तरह का वतीरा रखिया लोगों प्रति, लोग अपने आप NGOs समाजिक संस्थावां धार्मिक संस्थावां गुरुद्वारे मंदिर सब ने जथा शक्ति जिहड़ी लोगों की अगर मदद ना की होंगी तो इत्थे खाना जंगी शुरू हो जाती। हर एक बंदे ने जिहड़ा भी गरीब वो लागे भावें 10 घरां की मदद की हो कोशिश की है, आम नॉर्मल बंद ने। नहीं तो पंजाब दे विच जो सरकार का रवैया सी, सरकार के रवैये करके तो जिहड़ा खाना जंगी होने तो कोई घट नहीं सी गल। तो ये सारे जिहड़ा प्रोटेस्ट आ ये अज इत्थे हो रहा पंजाब सरकार के खिलाफ। बाकी तो जिहड़ा वा 3.5 साल की 4.25 साल की सरकार दे विच इन्होंने ये जीरो रहे, जो वादे किए सी एक भी पूरा नहीं किया। इस महामारी च इस युद्ध दे विच जिहड़ा देश करोना के खिलाफ लड़दा पिया, इन्होंने लोगों नूं अपने अपने आप पर छड़ता। जिहड़ी टेस्ट हो रहे आ जां जो मेडिकल कॉलेजां दे विच जां जिहड़ा शोषण उन्हां लोकां दा हो रहा वा, जिस तरह के एलीगेशन सरकार ते लगदे पए आ, PPE किटां तक दे स्कैंडल हो गया, इन्हां दी वी जांच जिहड़ी CBI तो होनी चाहीदी आ। भी इस दौरान जिहड़ा वा कुछ लोग ते जिहड़े आ उह सब कुछ समर्पित करके अपना देश दे लोक अपना सब कुछ तन मन धन ला के ते करोना दे इस महामारी सेवा करते पे आ। इस दे सरकार दे मंत्री शराब चो लुट रहे आ, PPE किटां चो लुट रहे आ, ते केड़ी केड़ी लुटमार इन्हां ने कीती सब दा जिहड़ा CBI ते लोकां नूं इन्हां इहदे बारे अवेयर होना चाहीदा वी इह सरकार जिहड़ी कितना दे सुपने विखा के लोकां नूं आई सी ते औखे वेले वी लोकां दे नाल नहीं खड़ी होई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। अज देखो वैसे तो पार्टी वालों प्लैन पहलों ही प्रोग्राम से जड़ा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर से आपां धरने देने सी, पर मैं सब तो पहला उन्हां शहीदां नूं प्रणाम करदा, उन्हां सूरबीरां नूं प्रणाम करदा जिहड़े अपने देश की हिकां की राखी खाते चीन के बॉर्डर जिहड़ा हिंदुस्तान का बॉर्डर है उत्थे कल एक बहुत ही दुखदाई खबर सानू सारयां नूं ही पता लगी आ TV मीडिया तुहाडे चैनल राही भी अपने जिहड़े तकरीबन 20 दे करीब फौजी जवान जिहड़े उत्थे आ शहीद होए आ। साडा सारयां दा श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी वालों असी सारे ही उन्हां दे कोट प्रणाम करते हैं ते गुरु महाराज अग्गे अरदास करदे भी उन्हां नूं अपने चरणां च निवास बख्शन जिन्हां ने अपनी देश वास्ते जानां दित्तियां ने। अज दूजा पिछले समय दौरान तकरीबन 3 महीनों तो जिहड़ा हालात बने पए ने करोना महामारी करके वर्ल्ड वाइड दे सारा सिस्टम रुकिया पाया, पर पंजाब दे विच बहुत बुरे हाल ने। सरकारां ना दी कोई चीज़ ही है नहीं, लोगों नूं जिथे राशन दे नाँ ते लुटा गया कोई पहुँच नहीं पहुँची गई, चाहे वह सेंटर सरकार वालों राशन आया उन्हां दी वंड प्रणाली शुरू हुई, जिथे नीले कार्ड सी लोगों के वह कटे गए। शराब दे विच एडा वड्डा इन्हां ने घपला किया, 2 नंबर की शराब, रेत माफिया, गन्नियां दे लोगों नूं जिहड़ा किसानी दा, क्योंकि पंजाब एक किसानी पद्धर का जिहड़ा सूबा वा, उत्थे गन्नियां दी जिहड़ी लोगों की अदाई नहीं हुई, मंडियां च जट्टां नूं रुलना पै गया। असीं इह मंग करदे हां भी नाले इंडस्ट्री दे जिहड़े 3 महीने दे घट्टो घट्ट जिहड़े बिल आ उह जिहड़े आ इन्हां ने ज़्यादा लाए आ उह इन्हां नूं घटाउणे चाहीदे आ। ते इह पंजाब दे विच वी सीवरेज पानी लाइट दे जिहड़े बिल आ लोगों कोल नहीं लैणे चाहीदे, नकली बीजां दे घोटालिआं दी मंग करदे आ जिहड़ी इनकुआरी हुई आ। सो बहुत ऐसे जिहड़े मुद्दे ने ਉਹ ਅੱਜ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, XMLA ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੀ, MP ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ
देखो एक जनता की आवाज़ बचाना मीडिया का मुढ़ला फर्ज बनता, जो उन्होंने आवाज़ दबाई जाए तो बड़ी माड़ी गल आ। उसके बारे गल की गई, इंडस्ट्री बारे गल की गई, मध्य वर्ग परिवार जोड़े साढ़े ने जोड़े बेचारे ना तो लाइना च लंघ के राशन लै सकते हैं ना मंग के राशन खा सकते, बड़े औखे और अनेक प्रकार के धक्के, जिदा पुलिस की गल कर लिए धड़ाधड़ लोगों के चलान कट्टे जा रहे हैं। सो यह जी कई अनेक जड़िया मंगा सी साड़िया बारे अं डी साहब मैमोरेंडम देख चले। देखो ये तो बड़े दिनों की गल चल रही है कि सैटरडे संडे नू इन्होंने लॉकडाउन करता, करफ्यू लाता और ठेकियां ही निकलिया लग रहा साडू समझ नूं दिया रेता तो ठेके तो यारा जोर दिता जाता, बाकी सारे लोगों का गला घुटिया जा रहा है। नहीं ठेके लिए कोई पास नहीं चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की मोहर चाहिए, उन्हें पक्की ला दी है। वेखो एक परिवार ने नहीं, अजे आने वाले समय के कई परिवारों ने खुदकुशियां कर लिया, जो हालात बन गए हैं क्योंकि अनेक खुदकुशियां जो की सरकार बनी है पंजाब के किसान कर चुके और सरकार के कन्न से जी जू तक नहीं सरकार। राशन की जी गल की, राशन उन्होंने नीले कार्ड या तरह गरीब परिवारों को नहीं राशन जो हर घर से पहुँचाने का वादा सी बारे की कहना। देखो गरीब परिवार जोड़े है ना, मैं तुम्हें कह रहा कि अज हालात यहोजे बन गए जे साडे मध्य वर्गी परिवारों भी अब गरीब की रेखा चल रहे हैं। राशन जरा आया जी सारे परिवारों लिए आया, बिल्कुल सारे लिए आ रहा और वंड ही नहीं कर सेंटर वालों 70,000 टन जरा राशन भेजा गया जिंद सरकार की एड्डी वीड्डी नलैकी वो वंड ही नहीं कर सकी। तुम किस इलाके चल जाओ आपके झेतियां जी पहला डिपुआ के कणकों की वह दी गई और कोई राशन।